नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं सच इंडिपेंडेंट। मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश फॉर्मर हाईकोर्ट जज न्यूटी राम मोहन राव, उनकी पत्नी और बेटी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बहू को प्रताड़ित करते दिख रहे हैं। आपको बता दूं, 27 अप्रैल को न्यूटी की बहू सिंधु शर्मा ने ससुराल वालों पर शारीरिक और मानसिक यातना देने की पुलिस में शिकायत की थी। सिंधु के पति न्यूटी वशिष्ठ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। इस अर्जी के बाद अब सिंधु ने एक सीसीटीवी वीडियो सार्वजनिक किया है, जिसमें उनके ससुराल वाले उनके खिलाफ घरेलू हिंसा करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप सब सीसीटीवी में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि सिंधु के पति वशिष्ठ उन्हें काउच पर धक्का देते हैं और जैसे ही वे उठने की कोशिश करती हैं, न्यूटी चिल्लाते हुए उन्हें हाथ से पकड़कर फिर से काउच पर धकेल देते हैं। वे सिंधु को पीटते और खींचते हैं। इस दौरान उनके बच्चे भी मां को बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सिंधु का कहना है कि उनकी सास दुर्गा लक्ष्मी पीछे से चिल्ला रही थी कि सिंधु पागल है और उन्हें नींद की दवा देने की ज़रूरत है। जब सिंधु को ज़्यादा चोट लग गई तो उन्हें फिर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। और इन सब के बाद भी अब भी सिंधु का ये कहना है कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए सार्वजनिक किया है क्योंकि उनके पति ने तलाक की अर्जी दे दी है। उनका कहना है कि वे इतने साल तक अपनी बेटियों के लिए ये प्रताड़ना झेलती रही और संबंध सुधारने की कोशिश करती रही, लेकिन अचानक पति ने तलाक की अर्जी दे दी। तो उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह उन्हें मारा है जो वो हमें बता भी नहीं सकती है। पता नहीं 21वीं सदी में भी ऐसी ऐसी घटनाएँ हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस कब और किस दिन ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा। खैर, आप ये वीडियो देखिए और इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल सच इंडिपेंडेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहें।